हेलो गाइस, वेलकम टू वायरलपुर। मेरा नाम हिमांशु मेहता है। आज वीडियो में बताऊँ एक ऐसा तरीका जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से वाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इससे भी बढ़िया आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, वो भी प्ले स्टोर से, वो भी बिल्कुल फ्री है। फ्री में आप ऐसा बना सकते हो, बहुत सारा बना सकते हो, जैसा आप चाहे बना सकते हैं, और यूट्यूब पे अपलोड करके अर्निंग भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ऐसा करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आ जाना हो, तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर पे आने के बाद सबसे पहले गाइस, जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, बेहद ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में आएंगे। सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे BENIME, ये करके हम सर्च करेंगे। सर्च करने वाली गाइस, देखिए ये जो ऐप आएगा, इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। बेनिमी एक नाम है ऐसा करके, वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएटर। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार ओपन करते हैं। ओपन करेंगे गाइस, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आप चलिए मैं आपको नया क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे VP यानी वायरलपुर नाम दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और क्रिएट मूवी पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्रिएट मूवी पे क्लिक करेगा तो कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आएगा गाइस। तो सबसे पहले देखिए, आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट तो देखिए, टेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है हेलो हेलो गाइस लिखना हो, तो यहाँ पे हेलो गाइस लिख दूंगा। तो ऐसे करके आप जो भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आसानी से। हेलो गाइस, वेलकम टू, यहाँ पे देखिए जो भी लिखना हो तो आप आसानी से अपने मर्जी से लिख दीजिएगा। वेलकम टू वायरलपुर यहाँ पे लिख देने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में मैं क्लिक करूँगा गाइस, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। आप इसको मैं जहाँ चाहूँ अपने उंगलियों से ड्रैग करके ले जा सकता हूँ। और देखिए इसका कलर चेंज करना हो तो ये कलर पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए इस वाले पे क्लिक करेंगे गाइस, तो जो भी कलर है उस कलर को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे ओके कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉन्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस, देखिए इस वाले पे ए लिखा है, इस वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो फॉन्ट आ जाएगा। अब जो भी जिस स्टाइल में फॉन्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए स्कूल बेल है, तो इस टाइप में मैंने ले लिया। अब साइज़ बढ़ाना हो तो 100 लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके अब छोटा बड़ा जितना है ऐसे करके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइज़ बढ़ा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं। अब लगाने के बाद देखिए गाइज, अब मान लीजिए आपको कोई फोटो इंसर्ट करना हो तो फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाथ लगाना है, तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे हैंड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इतने सारे स्टाइल मिल जाते हैं, जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिए। चलिए इस वाले को मैं ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ गाइज कैसा दिख रहा है। तो देखिए ये ज़्यादा फास्ट है, तो आप स्लो कर सकते हैं। स्लो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, इस देखिए जो हमने लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग का बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ा सा 3 सेकंड 4 सेकंड कर देंगे, अब जितना चाहे कर सकते हैं। साइज बड़ा करना वो कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद फिर से एक बार प्ले करेंगे गाइस, तो देखिए ऐसा दिखेगा। अब स्लो, ज़्यादा स्लो, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना है, तो देखिए स्माइल फेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। और देखिए इतने सारे आपको फ्री में पिक्चर मिल जाते हैं गाइस, आप इसको यूज़ करके अपनी वीडियो बना सकते हैं। और जिस टाइप की वीडियो बनाना, जैसे ड्राइंग का बनाना तो ड्राइंग आ जाएगा, शेप का बनाना तो देखिए शेप्स आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएगा अलग अलग तरीके का, आप सारे इन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं गाइज। और ये सारे आपकी वीडियो में मिलने वाली है और बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे वेदर है, सोशल मीडिया है, तो ये देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को सब्सक्राइब लगाना हो तो यहाँ पे लिख दूंगा। अब इस वाले पे फिर मैं हैंड पे आऊँगा और ये देखिए जो चूज करना हो तो वही रखूँगा। और देखिए फिर से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद ड्यूरेशन जितना सेकंड का रखना हो, 2 सेकंड का रखना है तो मान लीजिए मैं 2 सेकंड कर दूंगा। और फिर से प्ले करके देखूँगा तो पहले ये चलेगा हेलो गाइज वेलकम टू वायरलपुर, फिर देखिए ये सब्सक्राइब लिखा जाएगा। तो ऐसे करके बढ़िया वीडियो बन जाएगा। आप ऐसी वीडियो बनाएंगे गाइज, एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना सकते हैं, और इसको यूट्यूब पर अपलोड करके अर्निंग भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई आपको अपनी पिक्चर इंसर्ट करना है तो फिर से स्माइल फेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद गाइज लिखा होगा यहाँ पे देखिए ऐड इमेज, तो इस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आप इमेज जो आपने रख रखी है वो गाइज यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी आप इमेज लेना चाहें उसको ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ, अपना इमेज ही इंसर्ट कर देता हूँ। तो चलिए मान लीजिए ये वाली कोई इमेज है, तो इस वाले को मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ गाइज। अब यहाँ से जितना क्रॉप करना हो क्रॉप कर लीजिए, यहाँ पे ओके रख के जहाँ पे रखना हो रख दीजिए। अब इस पर भी एनिमेशन लगाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे। ड्यूरेशन देखिए जितने सेकंड का रखना है रख लेंगे। हैंड पे आके जो हैंड अच्छा लगे, इस बार मैं ये वाला लेता हूँ पेंसिल वाला,
फिर से प्ले कर दूंगा। तो गाइस देखिए ऐसे वाला हमारा प्ले होगा और ऐसे हमारा आएगा, और देखिए इतना आने के बाद देखिए फेस ऐसे ड्राइंग कर भी कर देगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद देखिए गाइस, देखिए अब आपने एक लेयर बना ली, अब चाहते हैं कि आपकी दूसरी लेयर, लेयर का मतलब है आपने इतना दिखा दिया, अब नेक्स्ट क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए हैंड के नीचे जो शेप है ना लेयर टाइप में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया लेयर आ जाएगा गाइस। देखिए यहाँ प्लस का करेंगे तो एक नया लेयर आ जाएगा। अब इस लेयर में जो भी चीज़ लिखना चाहें, जो भी चीज़ बनाना चाहे बना सकते हैं, और ऐसे करके ही आपकी वीडियो बन जाएगी। अब इतना कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे आई के नीचे लिखा हुआ एक बटन होगा सेव का, इस पर आप करेंगे क्लिक तो देखिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है सेव हो जाएगा। सेव का मतलब एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, आपने जो भी अब तक काम किया वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे ड्राइंग का बटन आता है, और यहाँ से कलर वगैरह जो भी करना हो तो यहाँ कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट का देखिए बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे रेड रखना चाहे तो रेड रख सकते हैं, वाइट रखना चाहे तो गाइस वाइट भी रख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए वाइट रख लेते, ये वाली रख लेता हूँ। तो अब देखिए ऐसे करके आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाइस आपका वीडियो बन के तैयार हो गया है, जब आपने सब कुछ मटेरियल लिख लिया था। अब आपको देखिए यहाँ पे म्यूजिक का साइन है, तो इस वाले पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। आप देखिए जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो इस माइक वाले पे क्लिक करेंगे और बोलते जाएंगे, ये चलता जाएगा और ये रिकॉर्ड होता जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका वीडियो बन जाएगा, जो भी आप बोलेंगे इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। आप चाहे तो माइक इंसर्ट कर सकते हैं फ़ोन में, अगर माइक नहीं है तो ऐसे ही मोबाइल का जो माइक है उसे बोल सकते हैं, इतना बोल लेंगे गाइज। तो अब देखिए आपका काम हो चुका है, आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कर लेने के बाद सब कुछ बन आ देने के बाद अब आपको क्या करना है गाइज, देखिए सबसे आखिरी में जो यहाँ पे वीडियो का साइन दिख रहा होगा इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करना देखिए आप, आपको प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, मूवी नेम यहाँ पे लिखा है मूवी नेम, तो यहाँ पे देखिए मेक मूवी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आपका दिखेगा। अब यहाँ से रेंडर हो रहा है, यानी आपका ये एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका ये सेव हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में। तो ऐसे करेंगे तो अपने आप ही ये सेव हो जाएगा, देखिए आप अभी कुछ सेकंड में सेव हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये सेव हो चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ से शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं यूट्यूब पे काइन मास्टर में, या फिर गाइस देखिए यहाँ से प्ले करना चाहे तो यहाँ से एमएक्स प्लेयर में, जो भी प्लेयर है यहाँ प्ले करना चाहे तो प्ले भी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पे ऐसे आ जाएगा गाइस और प्ले भी हो जाएगा। तो आप भी ऐसे करके वीडियो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।